तो राम राम जी, एजुकेशन नॉलेज टीवी में मैं देवपाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? सीबीएसई बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, क्लास 10वीं क्लास 12वीं एग्जाम 2020, कृपया ध्यान दीजिए, रिजल्ट आएगा लेट। क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आई है सीबीएसई की तरफ से? अगर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीएसई की परीक्षा दे रहे थे और आप देने वाले हैं जो स्थगित परीक्षाएं हैं, तो इस वीडियो के अंत तक देखिएगा। रिजल्ट के रिगार्डिंग एक बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तभी कर दें, बेल के आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले, क्योंकि इसी में आपको प्यार और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। लेके चलता हूँ बड़ी खबर की तरफ, जो कि आपकी जान वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं 12वीं के परिणामों में होगी देरी। ठीक है भाई, क्या कुछ खबर आई हुई है? लॉकडाउन से सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीबीएसई और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं 12वीं के परिणामों में इस बार देरी हो सकती है। दरअसल दोनों बोर्ड की विषयवार कई परीक्षाएं बकाया है। ठीक है भाई, साथ ही में कॉपियों का मूल्यांकन भी अटका हुआ है। स्थिति सामान्य होने के साथ ही कामकाज में तेजी की जाएगी, यानी कि स्थिति जैसे ही नॉर्मल होती है उसके बाद ही जो परीक्षाएं हैं वो करवाई जाएगी, कॉपियों का मूल्यांकन है वो करवाया जाएगा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू की गई थी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आदेश बोर्ड के 31 मार्च तक सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थी। ठीक है, इसमें बाद बोर्ड 1 अप्रैल को आदेश जारी किया और माहौल मान्य होने तक स्थगित परीक्षा फिर से कराने के निर्णय लिए गए। यानी कि आपको मैं बता देता हूँ, 1 अप्रैल को फिर से सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया और उसमें बताया कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तब तक कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। जैसे ही हम परीक्षा करवाने के आएंगे तो आपको 10 दिन पहले बता दिया जाएगा कि आपकी परीक्षा उस दिन से होने वाली है। और ये सभी कारण आप सभी जानते हैं, कोरोना महामारी के चलते यह सभी स्थिति बनी हुई है। सभी विद्यार्थी परेशान हैं, बोर्ड भी परेशान है, क्योंकि सीबीएसई 15 फरवरी से एग्जाम शुरू करवाने के बावजूद भी अपने एग्जाम पूरे नहीं करवा सका और अब ओनली 29 विषय की परीक्षा सीबीएसई करवाएगा। उसके बाद जो बची हुई परीक्षाएं हैं, बचे हुए विषय हैं, उसको सीबीएसई नहीं करवाएगा। ठीक है भाई, संयुक्त प्रदेश प्रदेश में ऑनलाइन फॉर्म 6 से और राजस्थान में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म 6 से भरे जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, कोरोना ने बढ़ाया सिर दर्द, कहीं परीक्षा तो कहीं अटका भर्तियों का काम। जो भर्तियाँ चली हुई थी उनको भी सभी काम अटके हुए हैं, स्थगित किए हुए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ही एग्जाम कंडक्ट करवाता है उसके बाद तेजी से प्रोसेस चलेगा, थोड़ी सी परिणामों में देरी हो सकती है सीबीएसई वालों और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। बड़ी खबर थी आप सभी के साथ शेयर करने थी, उम्मीद करूंगा आप वीडियो लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।